आप एक सुशांत सिंह राजपूत बेचारा जो इतना मेहनत करके ऊपर आ रहा है, आप उसके लिए करण जौहर के शो में मजाक उड़ा रहे हो। आप हो कौन, हु आर यू, आपकी औकात क्या है? बिहार से निकल के बॉलीवुड में सुपरस्टार बनता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक पिक्चर फ्लॉप हो गई तो मुझे छोड़ के भाग गई वो। मैं नो वन बोलूँगा तो नो वन कोई नहीं होता, सिर्फ गोविंदा ही नज़र आता है लोगों को। सर हमारा भी एक सवाल है और ये काफ़ी दर्शकों का सवाल था। हाँ, कि आपने शुरुआत की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन आप चले गए भोजपुरी सिनेमा में। ऐसा क्या हुआ कि आपको भोजपुरी सिनेमा में जाना पड़ा? मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा ना थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा अलग सोचना है। मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ क्योंकि मेरा जो परिवार है वो उसने बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीबी। और मैंने गोविंदा जी को देखा है, तो जब गोविंदा जी वहाँ से स्ट्रगल करके आके काम करते थे तो मैं उस चाली में उस घर में रहता था उनके साथ, विरार में, तो मैंने वो लाइफ भी देखी है। तो मैंने मेरे फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मैं सच्ची बताऊँ, मेरी एक कहावत है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। मैं इतना बड़ा अपने आप को कभी मानता ही नहीं हूँ कि मैं चूज़ करूँगा। हाँ, मैंने चूज़ किया है अपने लेवल पे। जब मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में राज किया, मैं बोल सकता हूँ मैंने राज किया, क्योंकि मैं साल में 12 फिल्में करता था, 24 पिक्चरें आती थी, उसमें से ठुकरा के करता था सिलेक्ट करके। ये मैं करता था कि मैं अच्छी फिल्में करूँ। मेरी दो तीन चीज़ें थी कि मैं मरूंगा नहीं पिक्चर में, अगर दूसरा हीरो है तो मेरा रोल कमज़ोर ना हो, तो मैं सिलेक्ट ही नहीं करता था। मैं कभी सेट पे जाके मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की कि मेरा रोल ऐसा क्यों है, मेरे को ये दबा रहा है, वो सब नहीं। मैं सब्जेक्ट देख लेता था, मेरा रोल अच्छा है। उसके बाद में बेचारा जो नया लड़का है ना, अगर मेरा 20 है और उसका भी 20 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा हमेशा ये ध्यान रहता था कि मेरा रोल अच्छा होना चाहिए और वो मुझे सामने सिलेक्ट करने मिल रहा है ना, सो वाई शुड आई टॉर्चर माई प्रोड्यूसर्स आफ्टरवर्ड्स। मैंने कभी किसी को टॉर्चर नहीं किया, ऑलवेज ऑन टाइम। और यहाँ पे आज के यंग जनरेशन में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, अरे आपने तो इतना ही बोला था, अरे मैं और डेट दूंगा और एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। तो मतलब यू शुड नेवर टॉर्चर योर प्रोड्यूसर। तो ये मेरे को पहले से ही था कि मैं कभी अपने निर्माता को टॉर्चर नहीं करूँगा। सर डिफरेंस बताइए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस था वर्किंग कल्चर? एक ही प्रॉब्लम है, ईगो सब में है हर जगह। अगर कोई बड़े निर्माता को ये फील हो जाता है ना कि अरे इसने मेरी पिक्चर ठुकरा दी, या इसने मेरे को डेट नहीं दी, या इसने मेरे से पैसे मांग लिए, तो वो फिर आपका एंटी बन जाता है। ये प्रॉब्लम हर जगह, बॉलीवुड में भी है, भोजपुरी में भी है, मुझे लगता है हर जगह होगी। यहाँ पे ना आप अपने मन से दोस्त बना सकते हो और ना ही आपके मन से दुश्मन बनेंगे। जिसे दोस्त बनना है दोस्त बन जाएंगे, और जिसे दुश्मन बनना है दुश्मन बन जाएंगे फ्री में। सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमारे हाथों में है ही नहीं। ये डिफरेंस मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों जगह में ये एक ही चीज़ है। और बॉलीवुड की एक ये है कि जब मैं भोजपुरी पिक्चरें करता हूँ, तो मैं जब बिहार या उत्तर भारतीय लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ। ये एक डिफरेंस होता है। और जैसे अगर मैं चेन्नई चला जाऊँ तो वहाँ पर अगर मुझे मेरे उत्तर भारतीय लोग नहीं मिलते हैं तो उनके लिए मैं एक आम इंसान हूँ, तो मैं इडली भी उनके बाजू में भी खड़ा होकर खा लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब आप रीजनल स्टार होते हो तो ये एक होता है, तो वो प्यार अनमोल है, उसको आप खरीद नहीं सकते। तो ये मैंने देखा है। और अगर आप हिंदी करते हो तो हिंदी की वजह से ये हो जाता है कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री भी चला गया तो वहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि अच्छा वो फिल्म आपने की थी, लवली फिल्म थी, हिंदी थी करके उन्होंने बाकी जगहों पे वो चीज़ों को देखा। तो ये रीजनल सिनेमा में यही फ़र्क होता है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। और वो लैंग्वेज की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी, मतलब जब मेरी हिंदी फिल्म टीवी पे आ रही होती है तो 48 कंट्रीज़ देख रही होती, जो कि भोजपुरी में मुमकिन नहीं है, या किसी रीजनल चैनल के हीरो के। ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। प्यार व्यार वही है, सम्मान वही है, ये है। सर एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, उसमें आपने कहा था कि नो वन सपोर्टेड मी फैमिली व्हेन आई हैड नो वर्क एंड नो वन आस्क्ड मी अबाउट माय पेन और डिफिकल्टी।
हाँ वो एक्चुअली क्या था, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा था किसी की, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ये एक आदत है कि वो सारा टारगेट जो है, मैं नो वन बोलूँगा तो नो वन कोई नहीं होता, सिर्फ गोविंदा ही नज़र आता है लोगों को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे नो वन का मतलब सिर्फ गोविंदा नहीं है भाई, मेरे और भी रिश्तेदार हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपको किसने आपके हार्डशिप्स में, तो मैंने ये बोला, मैंने देखो हार्डशिप्स में क्या है, मैं एक बहुत शर्मिला व्यक्ति हूँ, मैं जब बहुत अपने लो पीरियड से जा रहा था, एक वक्त था जब मेरे पास 20 रुपए रह गए थे जेब में, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो बहुत बहुत असमंजस में था मैं, तो मैंने किसी को बोला नहीं, किसी को पता चला नहीं, वो तो चलो ईश्वर की कृपा है कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ज्योति, उसने मुझे बहुत सहयोग किया, और शुक्र है एक ऐसी पत्नी मिली, क्योंकि इस पत्नी से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो मेरी एक पिक्चर फ्लॉप हो गई तो मुझे छोड़ के भाग गई वो। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र है कि शादी के बाद फ्लॉप होती पिक्चर तो पता नहीं कहाँ जाती, क्योंकि हमारे जीवन में तो कितनी फिल्में हैं भाई, कितनी फिल्में हिट होती है, कितनी फ्लॉप होती है, तो अगर ऐसी पत्नी मिलेगी जो सक्सेस रेट से चलेगी तो कैसे चलेगा। तो मेरी वाइफ जो है वो बेचारी बहुत सहयोग करती है, मुझे समझती है, और मुझे आज भी याद है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं रोड पे चल रहा था, मेरी वाइफ अपनी गाड़ी में आती थी, और उसको पता चल गया कहीं ना कहीं कि ये तकलीफ़ में है, तो उसने मुझे पूछा, बोले आपके पास पैसे हैं कि नहीं, तो मैं हंसा, मैं बोलता भी नहीं था। अब मुझे हमेशा ये सिखाया गया कि अपने दुख को बताने से दुख बढ़ता है, तो मैं कभी भी दुख बहुत ज़्यादा सह जाता हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को एक ऐसी पत्नी मिली जो मेरे वर्स्ट से वर्स्ट टाइम में टिक गई है, तो अब तो भागेगी नहीं, ये बात कंफर्म है। तो मतलब वो जो लाइन आपने कही थी इसका अर्थ, हाँ वो ये अर्थ था, और सच्चाई देखिए ये है दुनिया में कि गोविंदा जी के साथ मैंने काम किया, मैंने तीन फिल्में की। और मेरी नाराज़गी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हमेशा है कि मैं उनके साथ और काम करना चाहता था, लेकिन जब मैं उनके पास एक दो पिक्चर लेके गया, ही वॉज नॉट हैप्पी, बोले यार विनय ये स्क्रिप्ट ऐसी है, यार ये रोल तो मैं कर चुका हूँ, तो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव से एज एन एक्टर, क्योंकि वो भी गोविंदा है यार, इतना बड़ा स्टार है, और उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पिक्चर अच्छी करें, अपने लिए करें, क्योंकि वो भी अगर एक गलत पिक्चर कर लेते हैं तो लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते। मैं बहुत चाहता था कि मैं उनके साथ और फिल्में करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। आई होप आगे हो और जो भी, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया, जो भी दो तीन फिल्में की, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद, इतनी बड़ी लीग में आने के बाद, लोग किसी के लिए स्पेशल अपीयरेंस नहीं करते। उस वक्त मैं उनके बहुत करीब था, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि यार मेरे मामा है, मैं बड़ा हूँ, साथ में उनको तो करना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन मैंने जब बाद में दूर होने के बाद जब मैंने दूसरे लोगों को परखा, तो मैंने ये देखा, मैंने बोला यार लोग तो काम ही नहीं करते, सुपरस्टार्स आपके साथ काम ही नहीं करते, आपके साथ क्यों करेगा कोई काम। ये तो वो मेरे मामा थे, और उन्होंने चलो उस चीज़ को जो भी समझा, और उन्होंने अपने हाई लेवल मतलब टॉप में, जब उन्होंने सुभाष घई जैसे व्यक्ति को मना कर दिया था ताल के लिए, मतलब इज अ वेरी बिग स्टार, यस, अमिताभ बच्चन भी उनके साथ में काम करना चाहते थे, हाँ, मतलब एक टाइम का ऐसा रहा, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया ना, तो मैं यहीं से उनको धन्यवाद करता हूँ कि क्या पता हमेशा ऐसे अक्सर मौके नहीं मिलते धन्यवाद करने के, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपके साथ काम किया, बहुत सीखा, और हम लोग कर रहे हैं, और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ यही बोलता हूँ कि आप ही की वजह से हम लोग रोटी खा रहे हैं, आपने काम किया सारी चीज़ें की, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज कीप योर ब्लेसिंग्स। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं थैंक्स ही करता हूँ लोगों को। एक और लाइन मैंने सुनी थी जी, आपने कहा था कि इफ पीपल थिंक बिकॉज ऑफ गोविंदा आई हैव बीन गेटिंग वर्क देन इट इज़ रॉन्ग। हाउ एंड वॉट वॉज योर स्ट्रगल इन बॉलीवुड? अब ये जो मैंने बोला था कि अगर लोग ये सोचते हैं कि गोविंदा जी की वजह से ही मुझे काम मिल रहा है तो ये गलत है।
तो अब ये होता है कि मैंने पहली बात तो ऐसे एरोगेंस में नहीं बोला था कि मुझे अगर काम मिल रहा है तो अगर आप लोग सोचते हो तो गोविंदा की वजह से मिला, ऐसा मैंने बोला ही नहीं था दिग्विजय। मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि मुझे गोविंदा जी की वजह से ही काम मिल रहा है तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए बोला था क्योंकि अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है आपको लोग यहाँ काम नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है यहाँ। और रोज़ एक लड़का जो है वो 18 साल का हो रहा है रोज़, और देर आर सो मैनी अपकमिंग एक्टर्स, दोज़ आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत मेहनत कर रहे हैं बॉलीवुड में आने के लिए, फिल्मों में आने के लिए, या किसी रीजन का स्टार बनना भी बहुत भाग्यशाली। अगर मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे भोजपुरी में इतना काम मिल गया और मैं कर गया, ऐसे काम नहीं मिलता है ब्रदर, बहुत मुश्किल है। एक गाना ही कोई आपको दे दे एल्बम में तो लोग पागल हो जाते हैं यहाँ पे कि भाई मैं आई एम डूइंग दैट एल्बम, पागल हो जाते हैं यार एक आध एल्बम का गाना करके, सड़ जाता दिमाग। वो इसलिए सड़ता है क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये एक एल्बम मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल यार, मुझे मैं तो यही बोलता हूँ जो देख रहा है, भाई और काम दो भाई, मैं तो काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए अभी पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में, हाँ, कि बॉलीवुड की जो इमेज है वो लोगों में बदल गई। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उसके बाद में जो लोगों का एक गुस्सा फूटा बॉलीवुड पे, उस पर क्या कहना है विनय जी आपका? सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको किसी का सपोर्ट नहीं था और ये उनका बहुत बड़ा चार्म है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी मेहनत करता है और बिहार से निकल के बॉलीवुड में सुपरस्टार बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग ही हमारे लिए हीरो कहलाते हैं जो मेहनत करके रगड़ के यहाँ आके सुपरस्टार बनता है। और जब ऐसा व्यक्ति निराश होके ऐसे चले जाए तो ये पब्लिक को, क्या मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना पब्लिक को अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत दुख होता है कि यही नहीं प्रूफ हो पाता। अगर पुलिस बोलती है कि उन्होंने सुसाइड किया तो पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। कि एक ऐसा होनहार व्यक्ति जो कि इतनी तकलीफ में भी नहीं था कि भाई बैंक अकाउंट में, वो विनय आनंद तो नहीं था ना जिसके पास 20 रुपये रह गए थे एक टाइम पे, सुसाइड अगर उस वक्त मैं करता तो समझ में भी आता यार ये आदमी के पास तो जेब में 20 रुपये थे। एक आदमी के अगर बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? तो पब्लिक भी यही कहती है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये असमंजस रह गया। और फिर क्या हुआ, दर्शकों को ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने सुशांत के लिए सोशल मीडिया पे एंटी बोला, जैसे कुछ कुछ क्लिपिंग्स किसी की दिखाई, किसी ने सुशांत के लिए गलत बोला, सपोर्ट नहीं किया, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। और डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अगर एक व्यक्ति इतनी मेहनत करके इतने बड़े मुकाम पे होता है तो हुआ यू कि आप उसको दबाओ। आप अपना देखो ना यार, आप अपने बारे में देखो ना। आप एक सुशांत सिंह राजपूत बेचारा जो इतना मेहनत करके ऊपर आ रहा है, आप उसके लिए करण जौहर के शो में मजाक उड़ा रहे हो, या सुशांत सिंह राजपूत तो क्यों, किस लिए? आप किसी सोल या किसी एक्टर के लिए आप हो कौन? हु आर यू? आपकी औकात क्या है? आपको पब्लिक ने बनाया है और आप किसी सोल के लिए, एक व्यक्ति जो बेचारा इतनी मेहनत करके आता है, अपना मकाम बनाता है, आपके अंदर इतनी कर्टेसी भी नहीं है कि आप इतना बोल दो उसके लिए कि यस ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब और आगे बढ़े? ये पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पब्लिक नाराज़ है। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लोग भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन याद करने वाले लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हम पब्लिक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है अजी अंदर क्या है। तो ये जो गाना है ये ऐसे ही नहीं बनाया है, पब्लिक है, सब जानती है। और मैं एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के ज़रिए लोगों को कि यार दिल छोटा मत रखो यार, थोड़ा दिल बड़ा रखो, सबके लिए प्यार रखो यार, ऐसी क्या बात है? और तुम क्या हो यार, तुमको पब्लिक ने बनाया है, आप मेहनत करके आए हो उसके लिए सलूट है, लेकिन कीप लव फॉर एवरीबॉडी यार, ऐसी क्या बात है? प्यार रखो सबके लिए।
ए हटा सावन की घटा, था खुजा बत्ती बुझा के सो जा, घंटी बजाई। अरे घंटी से याद आया, घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो। क्या चाहिए ना अपडेट्स, अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को। लव यू गाइस।